दशक की मशहूर एक्ट्रेस राखी ने बॉलीवुड में लंबी पारी खेली है। वो बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से बेहद ज्यादा मशहूर थी, लेकिन अब राखी फिल्मी दुनिया से दूर खेती बाड़ी और पशुपालन करती हैं। मुंबई से सटे पनवेल में उनका एक फार्म हाउस है जहाँ पर वो अपना अधिकतर वक्त बिताती हैं। उनके फार्म हाउस में काफी ज्यादा जानवर भी हैं जिनकी राखी देखभाल करती हैं। एक ऐसा वक्त था जब उन्होंने बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को रानाघाट पश्चिम बंगाल में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में उनके पिता ने उनकी शादी बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर अजय बिस्वास से कर दी थी। उस समय उनकी उम्र 15 से 16 साल के बीच ही थी और रिश्ता लंबा चला नहीं। 2 साल बाद ही राखी अपने पति से अलग हो गई। बस शादी टूटने के बाद राखी का असली संघर्ष शुरू हुआ। 1970 में उनकी एंट्री हिंदी सिनेमा में हुई। उनकी पहली फिल्म जीवन मृत्यु रिलीज हुई जिसमें वो धर्मेंद्र के साथ दिखाई दी थी। पहली ही फिल्म से राखी हिट हो गई थी और उन्होंने उस दौर में कई बड़ी फिल्मों में काम किया। इसी बीच साल 1973 में वो गुलजार के प्यार में पड़ गई। उन्हें राखी बेहद पसंद थी क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड थी। साल 1973 में उन्होंने राखी से शादी की और इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम मेघना गुलजार है। लेकिन एक दिन खबर आई कि ये रिश्ता भी अब नहीं आगे बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। कहा तो ये भी जाता है कि राखी और गुलजार की लड़ाई की वजह फिल्म आंधी के स्टार्स थे। दरअसल एक रात गुलजार फिल्म आंधी के स्टार संजीव कुमार और सुचित्रा के साथ पार्टी कर रहे थे। इस दौरान संजीव कुमार ने काफी शराब पी ली और वो सुचित्रा के करीब आने लगे। ऐसे में सुचित्रा काफी भड़क गई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुलजार ने सुचित्रा को उनके कमरे छोड़कर आने का फैसला लिया था। वो काफी समय तक बात करते रहे ताकि सुचित्रा का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन जब वो एक्ट्रेस के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ राखी खड़ी थी, जो इतनी रात में पति को सुचित्रा के कमरे से बाहर आते देख भड़क पड़ी। उस रात दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद ही राखी ने फिल्म कभी कभी साइन कर ली, जिसकी वजह से गुलजार और खफा हो गए। गुलजार से अलग होने के बाद उन्होंने खार के सरोजी रोड में अपने लिए एक बंगला खरीदा जिसका नाम उन्होंने मुक्तांगन रखा। सालों बाद यहाँ रहने के बाद राखी ने इसे रियल स्टेट कंपनी को एक शर्त पर भेजा था कि इस पर जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएगी उसका नाम भी मुक्तांगन ही रखा जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। आज इसी इमारत में बिपाशा बासु भी रहती है। वहीं राखी ने बॉलीवुड और मुंबई से दूरी बना ली। कभी फिल्मी पर्दे पर चमकने वाली राखी का लुक भी काफी बदल गया है। लोग उन्हें देखते हैं तो चौंक जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।